हेलो नमस्कार वनकम काल कैसे हैं आप लोग क्या हाल है आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ड्रींस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक की फ्री एजुकेशन देता आया है मै कॉन मैडोन अरे नहीं <laughs> मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर टू ठीक है मजाक मजाक में लेना मेरी बातों को ना सीरियसली नहीं लेना चैप्टर टू कौन सा है भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट चलिए भाई आज की क्लास में हमको क्या स्टार्ट करना है देख ही सकते हो आप देखिए आप देखिए देखिए कुछ याद आया याद आया याद आया नहीं याद आया सर मैं याद दिलाता हूं ये क्या है इसको हम बोलते हैं भाई वर्नियर कैलिपर है ना कई कई जगह इसकी स्पेलिंग मैंने डबल एल देखी है कई कई जगह मैंने इसकी स्पेलिंग सिंगल एल देखी है तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा डाउट है कि भाई इसको डबल एल मानूं कि सिंगल एल मानूं है ना तो इससे कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में आता भी नहीं है कि डबल है लेकिन ले सिंगल है ले ये पूछे आपसे जो आता है हम उसकी बात बिल्कुल करेंगे वो तो हम छोड़ेंगे नहीं पकड़ के रखेंगे बिल्कुल हर कंसेप्ट को तो आइए पहले हम थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं हमारे वर्नियर कैलेपर से सर कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर कोई बात नहीं है हमको उसका काम ही नहीं है अभी जो दिखना चाहिए वो बिल्कुल जरूरी है वो बिल्कुल जरूरी आपको दिख रहा होगा एकदम झकास दिख रहा होगा आओ समझते हैं हो हो देखो भाई ये है वर्नियर कैलिपर जिसमें आपकी जो बीच वाली स्केल आपको दिख रही है इसको आप बोलते हो अपनी मेन स्केल क्या बोलते हो अपनी मेन स्केल ठीक है ना ये वाली जो स्केल है इसको आप बोलते हो मेन स्केल ठीक हां सर मेन स्केल बोलते हैं अच्छा सर ये काम क्या आता है सारी बातें करेंगे सारी बातें करेंगे देख तो लें पहले इसका नामकरण कर लें फिर आगे देखते हैं ये जो बीच में आपको लंबी वाली स्केल दिख रही है इसको आप बोलते हो मेन स्केल इस मेन स्केल के ऊपर एक छोटे 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 डिविजन बने हैं नीचे छोटे छोटे डिविजन बने हैं ये डिविजन बने हैं किसके आधार पर यूनिट्स के आधार पर है ना ये इंपीरियल स्केल इंपीरियल यूनिट्स बोलते हैं जो छोटे 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 डिविजन बने हैं ना ये कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती है ना हमारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है उनमें आता है हमारे काम का नहीं होता है ना क्योंकि आपका क्या आ जाएगा डाउट आ जाएगा इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो हमारी यूनिट यूज होती है उस यूनिट के हिसाब से डिवीजन किए गए हमारे काम के नहीं हैं अच्छा नीचे अगर हम देखें नीचे अगर हम देखें तो ये हमारी मैट्रिक्स स्केल है ये हमारी कैसी स्केल है मैट्रिक्स स्केल है जिसमें हम अपने मेजरमेंट कर सकते हैं हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स करते हैं यूज करते हैं उसी के डिविजन्स हैं क्लियर है चलिए आइए आगे बात करते हैं क्या होगा सर ये सेंटीमीटर होगा क्या होगा नहीं होगा जो भी होगा आगे जाके आपसे बात हो जाएगी आप उसकी टेंशन मत लीजिए अभी इतना समझ लीजिए कि जो मेन वाली स्केल है ये जो सेंटर वाली लंबी पतली स्केल है इसको आप मेन स्केल बोलते हो और ये जो लटकी हुई है ये जो देखो स्क्रू लगा हुआ है इसको आप बोलते हो लॉकिंग स्क्रू ये लॉकिंग स्क्रू क्या कर रहा है इस पर लगा हुआ है और ये जो स्केल है ये क्या करती है इस पर स्लाइड करती है क्या करती है ये स्लाइड करती है और आप इसको क्या बोलते हो इसको आप बोलते हो वर्नियर स्केल कौन सा स्केल वर्नियर स्केल पेरे वर्नियर साहब ने पेरे वर्नियर साहब नाम मुझे याद आ गया शायद स्पेलिंग यही है एक बार चेक कर लीजिएगा पेरे वर्नियर साहब ने हमें 1631 में बोला था, बोला क्या था बनाया था था क्या बनाया हमारे इस वर्नियर कैलेपर को और वर्नियर कैलेपर हमारे सिलेबस में आ गया था ये कब लिखा गई थी, थी बात कि हम आज पढ़ रहे होंगे वर्नियर इलेपर सोलह में ये बात लिखा गई थी है ना करेंगे ये भरेंगे हम करेंगे ये भरेंगे हम

सिलेंडर uh, की मान लो लेंथ नापना है तो आप क्या करोगे सिलेंडर को यहां लेकर आओगे फंसाओगे इसको मूव करोगे और बीच में सिलेंडर फंसा के लॉक स्क्रू से टाइट टाइट कर, कर दोगे और यहां पर रीडिंग ले लोगे ठीक है ना अच्छा सर ये क्या है ये इसको आप एक्सटर्नल जॉज बोलते हो इसको आप एक्सटर्नल जॉज बोलते हो इनको आप इंटरनल जॉज बोलते हो नाम में ही इंटरनल है तो आप देखो ये जो एक्सटर्नल जॉज है ना ये एक्सटर्नल डायमीटर नापेंगे एक्सटर्नल जॉज हमेशा एक्सटर्नल डायमीटर नापेंगे और जो इंटरनल जॉज हैं ये देखो अंदर की तरफ है ना ऐसे है ना ऐसे है कि नहीं ऐसे हैं तो ये क्या करेंगे इनको मैं किसी भी जो भी जिसके अंदर इंटरनल डायमीटर आपको नापना है उसमें फंसा दूंगा और ऐसे लॉक कर दूंगा तो ये देखो ये हमको क्या मिल जाएगी एक मेजरमेंट मिल जाएगी इंटरनल डायमीटर की ठीक है तो एक्सटर्नल जॉज एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल जॉज इंटरनल डायमीटर और ये क्या है ये क्या है ये जो पूछ निकली हुई है ये क्या है दिख रहा है आपको

जितनी डेप्थ में पूछ जाती है उसकी रीडिंग आप यहां से लेते हो लॉक करके तो आप देखो आप यहां से एक्सटर्नल डायमीटर भी नाप रहे हो आप हाइट भी, भी, भी नाप सकते हो आप इंटरनल डायमीटर भी ले सकते हो और आप डेप्थ भी नाप सकते हो आप सब कुछ कर सकते हो इस वर्नियर के क्लियर है पक्की बात हंड्रेड परसेंट अच्छा ये हो गया भाई एक इंट्रोडक्शन ये हो गया इंट्रोडक्शन कि हम इनसे मिलने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में इनके बारे में पूरी छानबीन करने वाले हैं तो जरा इनको जान ले तो हमने इनको जान लिया अच्छा ये है भाई वर्नियर कैलिपर वर्मा वर्नियर कैलिपर वर्मा बोलता हूं वर्नियर कैलिपर वर्मा चलिए वर्नियर कैलिपर वर्मा को आगे जरा और समझते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि इनकी एप्लीकेशन क्या है भाई वर्नियर कैलिपर वर्मा की एप्लीकेशन क्या है कैसे इनको यूज किया जा सकता है तो आओ जरा अंग्रेजी पढ़ लें पहला पॉइंट है इट इज यूज टू मेजर लेंथ ब्रेट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर आपने तो डेप्थ भी बोला था अरे मेरी ओहो हो, हो, हो. मान लो ये बॉटल है हमारे पास देखो ये बॉटल है हमारे पास ये बॉटल है हमारे पास ठीक है ना इस बॉटल की इस बॉटल की अगर मुझे लेंथ डेप्थ नापनी है तो वो जो उसकी पूछ थी देखो आप ये जो पूछ थी इस पूछ को आप ऐसे डाल के अंदर डेप्थ नाप लोगे कि नहीं नाप लोगे नाप लेंगे सर अगर मैं इसको ढक्कन लगाकर ऐसे टेढ़ा कर दूं ऐसे टेढ़ा कर दूं और कहां फंसा दूं इस जॉ को खोल के इस जॉ के बीच में फंसा दूं तो भी तो आप इसकी लेंथ बता सकते हो नहीं इसको घुमा के अगर बीच में फंसा दूं तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर नहीं नाप सकते अंदर डाल दो घुमा के तो इसका एक्सटर्नल <et> डायमीटर नहीं नाप सकते हाँ सर नाप सकते हैं अगर मैं इसको खोल के इसको खोल के ऐसे रख दूं और ये दोनों जॉज अंदर डाल के फंसा दूं तो क्या आप इसका इंटरनल डायमीटर नहीं नाप सकते इंटरनल डायमीटर नहीं नाप सकते नाप सकते हैं तो वर्नियर कहले पर इतनी सारी चीजें कर सकता है आप समझिए इस बात को समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए मेजर आउटर एज वेल एज इंटरनल डायमीटर इट कैन मेजर आउटर एज वेल एज इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट एंड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अच्छा अब देखो क्या होता है ना आपको फंसा लेता है कभी कभी वर्नियर कैलिपर कभी भी रेडियस नहीं नाप सकता वर्नियर कैलिपर कभी भी इट कैन नॉट मेजर रेडियस इट कैन नॉट मेजर रेडियस बट हमको रेडियस की वैल्यू कैसे मिल जाती है क्योंकि हम थोड़ा सा गणित जानते हैं थोड़ा सा हमने गणित पढ़ा हुआ है अगर हम डायमीटर पता कर ले तो हम रेडियस पता कर सकते हैं हां सर हमको पता है रेडियस डायमीटर की आधी होती है रेडियस डायमीटर की आधी होती है कि डबल होती है सर आधी होती है है ना हां तो अगर आप कैसे भी करके अपने वर्नियर कैलिपर से डायमीटर नाप लो तो आप उसको डिवाइड बाय टू करके क्या निकाल सकते हो रेडियस निकाल सकते हो लेकिन मेजर नहीं कर सकते मैं कभी भी डायरेक्टली वर्नियर कैलिपर की मदद से रेडियस नहीं नाप पाऊंगा मुझे पहले डायमीटर ही निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को डिवाइड बाय टू करके मैं रेडियस फाइंड आउट कर पाऊंगा ठीक है सर नेक्स्ट पॉइंट It can also measure depth of a hole. अगर कोई है 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 भाई और और उसका आपको 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 नापना तो मैंने आपको बताया वो पूछ है हमारी वर्नियर की, उस पूछ को अंदर डाल दो और आपको reading, lock screw से lock कर दो से कर मिल जाएगी. ठीक चलिए कुछ नोट पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा आइए ज़रा डिस्कस करते हैं. पहला लॉन्गर एंड आपके पास ये स्केल है oh, oh, oh. बहुत ध्यान से सुनना और थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना क्योंकि आपको कभी स्कूल में भी कोई इतने आसानी से आराम से नहीं बताएगा जितने आराम से मैं आपको यहां वन स्केल और वर्नियर कैले पर बताने वालों मान लो ये आपकी क्या है? है, scale, ठीक और ये आपकी वर्नियर है ये आपकी वर्नियर है स्केल अब क्या होता है दोनों में डिवीजन होंगे ऑब्वियस बात है दोनों में डिविजन होंगे मैंने मान लिया ये दोनों का जीरो 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 भी ठीक है ना ये जीरो आप ध्यान से देखना ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखना अरे यार तुम क्यों मिट गए तुमको क्यों मिटने को एकदम जल्दी है तुम्हें आइए आ भाई, एकदम धीरे धीरे समझेंगे कोई भी जल्दी हमें नहीं है मैं पहले वर्नियर स्केल पर डिवीजन बना रहा हूं ठीक है ना ये हमारी क्या है वर्नियर स्केल है अब आप डिविजन देखना मान लो ये हमारा जीरो है फिर ये एक दो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच सीधे ही चला गया सब हम्म कोई बात नहीं कोई बात नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आ जाओ मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो है ये वर्नियर का जीरो है कि ये वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है ऐसे डिविजन बने हैं आपके वर्नियर स्केल में हाँ ऐसे ही डिविजन आपके बने होंगे किसमें मेन स्केल में भी ठीक है ना मेन स्केल का मान लो ये जीरो है ये जीरो तो ये हो जाएगा हमारा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक ऐसा कुछ हो जाएगा अच्छा ठीक है सर अब आप देखो ये जो डिवीजन हमारे वर्नियर स्केल में है जो डिवीजन हमारे वर्नियर स्केल में है ध्यान से देखना ये है मान लो डिस्टेंस दो डिवीजन के बीच में दो डिवीजन के बीच में मान लो इतनी डिस्टेंस है है ना और मान लो मेन स्केल में दो डिवीजन के बीच में इतना डिफरेंस है इतना डिफरेंस है तो जनरली ज्यादातर केसेस में ज्यादातर केसेस में जो मेन स्केल में डिवीजन के बीच का डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है एस कंपेयर टू जो वर्नियर स्केल के डिवीजन के बीच का डिस्टेंस होता है उससे नहीं ये बात समझ में जो वर्नियर स्केल में डिवीजन के बीच का डिस्टेंस है उससे ज्यादा होता है जनरली जनरली ज्यादातर केसेस में मेन स्केल के डिवीजन के बीच का डिस्टेंस 97 परसेंट केसेस में ऐसा होने वाला है 97 परसेंट केसेस में क्या होने वाला है ऐसा होने वाला है यह बात अपने दिमाग में है. आप डाल लीजिए ठीक लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है उसका जो डिस्टेंस है दो के बीच का जो गैप है वो मेन स्केल से बढ़ जाएगा मतलब ये मान लो मेन स्केल के दो डिवीजन का गैप है और मान लो ये नीचे जो है ये वर्नियर स्केल के दो डिवीजन का गैप है तो देखो ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया कभी कभी आपको ऐसे भी केसेस देखने मिलेंगे ये होंगे तीन परसेंट केसेस जो रिमेनिंग तीन परसेंट केसेस हैं वो ये वाले होंगे जहां से बनेंगे बहुत खतरनाक क्वेश्चन उसको भी हम डिस्कस करेंगे आप उसकी टेंशन मत लीजिए लेकिन हमको पहले नाइनटी देखना जरूरी है क्योंकि 97 परसेंट केसेस वही होंगे इसलिए हम उसको समझ रहे हैं यही पर अंग्रेजी में यहां लिखा है डिवीजन ऑफ द मेन स्केल वर्नियर स्केल में डिवीजन के बीच का गैप ज्यादा भी हो सकता है मेन स्केल के डिवीजन के गैप से और कम भी हो सकता है लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया उसने जनरली जनरली डिजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन द डिवीजन ऑन मेन स्केल स्केल्टी सेवन परसेंट वाला केस केस है है आई मेरी बात बात समझ में ये ये वही 97 वाला केस है। पक्की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ चलिए भाई लिख लिया आपने सारे पॉइंट्स को अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा अंदर डाइव इन करेंगे और थोड़ा सा अंदर गोता लगाएंगे और घुसेंगे अंदर, अंदर कंसेप्ट में आइए हमको लीस्ट काउंट के बारे में जानना है व्हाट इज लीस्ट काउंट अब ये बात की थी मैंने आपसे काउंट, लीज काउंट द लीस्ट वैल्यू विच कैन बी मिनिमम वैल्यू तक आपको मेजरमेंट दे सकता है कितनी लीस्ट वैल्यू तक आपको मेजरमेंट दे सकता है उसको ही आप उसका लीस्ट काउंट बोलते हो अरे हाँ कि ना समझ रहे हो कि नहीं जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुमने पानी की वो मंगाई इस वो बीस लीटर की आती है ना कैन बड़े वाला कैन आता है जो बीस लीटर का वो तुमने घर में मंगाया ठीक है ना अब तुमने जब, जब घर में मंगाया तो तुम्हारे घर में जो मम्मी है उनसे तो वो कैन ऊपर रखा नहीं जाएगा क्योंकि उनके कमर में दर्द रहता है तो मम्मी ने क्या बोला उनके तीन बच्चे हैं ठीक है ना एक है पांच साल का एक है फाइव इयर्स का ठीक है ना सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से एक फाइव इयर्स का है एक फाइव इयर्स का है भाई बच्चा दूसरा बच्चा जो है वो है पंद्रह साल का फिफ्टीन ईयर्स का है और जो तीसरा बच्चा है वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स का है ठीक है ना आपने जो पानी की कैन मंगाई बीस लीटर नहीं मैं बोलता हूं पचास लीटर की आपने कैन मंगाई पचास लीटर की आपने कैन मंगाई पानी की और उस पचास लीटर के कैन को आपको क्या करना है गेट से उठा के दरवाजे से उठा के किचन के ओर ले जाना है और किचन में भी उठाकर प्लेटफॉर्म में जो फिल्टर रखा है उसमें पलटाना है यही बात समझ में बाहर दरवाजे में रखकर छोड़ गया पानी वाला आपको कैन उठाना है लेकर जाना है कहां रखना है उठाकर जमीन से प्लेटफॉर्म पे रखना है और प्लेटफॉर्म में एक फिल्टर रखा है पानी का उसमें ऐसे पलटा के डिस्पेंसर होता है डिस्पेंसर डिस्पेंसर में से पलटा के रख देना मम्मी यह काम किसको बोलेगी मम्मी यह काम किसको बोलेगी मम्मी यह काम बोलेगी किसको पांच साल के बच्चे को नहीं पंद्रह को बोल सकती है लेकिन उसके बाद जब पच्चीस साल का उसका लड़का बैठा है है ना तो उसको क्यों नहीं बोलेगी तो उसने मम्मी को मम्मी ने आवाज लगाई पच्चीस साल के लड़के को जाओ ये काम करो क्यों क्योंकि मम्मी को ना इस साल के बच्चे का पता है कि वो कितना काम कर सकता है किस लेवल का काम कर सकता है आई मेरी बात समझ में अरे कि ना ठीक है किस लेवल तक का वो काम कर सकता है हमें पता है हमें पता है पंद्रह साल का लड़का किस तक का, का, का काम कर सकता है किस मेहनत का का किस लेवल तक काम कर सकता है और पच्चीस साल का जो लड़का है वो किस लेवल तक का काम कर सकता का है वैसे ही ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए और जब इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करने के लिए होते हैं तो उनकी ना डिफरेंट डिफरेंट काउंट वैल्यूज होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट कर सकता है कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है याद करो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हमने यह बात की थी इस बारे में कि राम श्याम और भुवन बाम ये तीन लोग क्या कर रहे थे रीडिंग ले रहे थे ये तीन लोग क्या कर रहे थे रीडिंग ले रहे थे एक ने आपको रीडिंग लेकर 10.7 सेंटीमीटर लेंथ बताई थी, एक ने आपको 10.81 सेंटीमीटर बताई थी, और एक ने आपको 10.872 सेंटीमीटर बताई थी रीडिंग है ना तो मैंने आपसे पूछा था बताओ सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन दे रहा है सबकी सब में से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके मेजरमेंट में है तो आपने बोला था सर भुवन बाम के वो ऐसा क्यों हो पाया होगा क्योंकि उसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा उसका लीस्ट काउंट क्या होगा बहुत अच्छा होगा बहुत अंदर डीप तक जाके वो आपको वैल्यू बता रहा हो ये बोल रहा होगा 10.81 लंबी है आपकी रॉड या आपका पेन तो उसने बोला नहीं 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 टेन नहीं है टेन है समझ रहे हो कि नहीं तो कितना ज्यादा प्रिसाइज आंसर आपको दे रहा है और प्रिसाइज क्यों दे पा रहा है क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है ना उसका लीस्ट काउंट बहुत तगड़ा है तगड़ा मतलब बहुत कम है काउंट जितना कम होगा याद करो लीस्ट काउंट जितना कम होगा मैंने आपको बताया था प्रिसीजन उतना बेटर होता है प्रिजन उतना बेटर होता है जितना आपका लीस्ट काउंट कम होता है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके मेजरमेंट में रहती है जनरली जो आपकी में जब जो आपकी सिंपल स्केल होती है वो पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक वैल्यू बताती है उसका लीस्ट काउंट ज्यादा होता है जब आप आते हो वर्नियर के पर में तो उसका काउंट थोड़ा कम हो जाता है। के बाद दो तक देता है, होता है जनरली। आगे बाद करेंगे टेंशन और जो आपका स्क्रू गेज, तो गेज का तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज आंसर आपको स्क्रू गेज देने लगता है क्लियर चलिए तो हमने जब लीस्ट काउंट की बात की तो हम समझ गए कि हमको ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से हम काफी अच्छी इंफॉर्मेशन वाली मेजरमेंट ले पाए जैसे कि यार मेरी बात समझो आपके पास एक कोई स्केल है ये मेन स्केल है आपकी मेन स्केल बोल रहा हूँ ये आपकी सिंपल स्केल है है ना ये इसका जीरो है ये वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ना ऐसी स्केल ये कितना आ गया भाई एक सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर आप एक सेंटीमीटर आ गए ठीक है ना आपके पास एक सुई है जिसकी लेंथ है जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेंटीमीटर कितनी है सुई की लेंथ जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेंटीमीटर है एक सुई की लेंथ ये है आपकी सुई ठीक है ना अब आपने इसकी लेंथ नापना चाहिए इस स्केल से तो ये स्केल आपको कितनी लेंथ बता सकती है देखो सर जीरो है वन है टू है थ्री है तो ये जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर बता सकती है या जीरो पॉइंट फोर सेंटीमीटर बता सकती है ये कभी भी जीरो पॉइंट थ्री फाइव नहीं बता पाएगी आप बोल दोगे कि सर ये जीरो पॉइंट थ्री और फोर के बीच में कहीं है तो ये बीच में कहीं है अगर आपने बोल दिया तो एरर आ गई और एरर छोटी मोटी नहीं काफी एरर है पॉइंट जीरो कितनी जीरो पॉइंट जीरो फाइव की एरर है छोटी मोटी एरर थोड़ी ना है हाँ तो इसके लिए ना हमको जरूरत पड़ी कुछ ऐसी स्केल्स बनाने की कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत पड़ी जिससे आप और ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली मेजरमेंट कर पाओ आप नाप पाओ जीरो सेंटीमीटर सुई की लेंथ ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई होगी आइए आगे बढ़ते हैं इस चीज को मैं लिखे रहने देता हूं इस प्रोसीजन वाली चीज को मैं लिखे रहने देता हूं आइए अब काम की बातें करते हैं यार हमको लीस्ट काउंट निकालना सीखना है तो मैं आपको पहले सिंपल स्केल बनाऊंगा और उसका लीस्ट काउंट निकालना सिखाऊंगा तो आइए जरा मैं बनाता हूं एक सिंपल स्केल बहुत ही प्यारी बनेगी है ना बहुत ही क्यूट सी बनाऊंगा चलिए <coughs> देखिएगा भाई अब यहां पर इसका जीरो ठीक, जीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है हाँ सर ठीक है पढ़िए ठीक यहां तक आप इसको क्या बोलते हो एक सेंटीमीटर है ना ये सेंटीमीटर में है सारी सेंटीमीटर क्लियर आगे फिर क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पांच फिर एक दो तीन चार पांच ये हो जाएगा आपका दो सेंटीमीटर ऐसे करके आपकी स्केल लंबी आगे तक चलेगी है हाँ ना हाँ सर चलेगी अब मुझे बताओ एक सेंट, जीरो से लेके एक सेंटीमीटर तक जो आप लेंथ नाप रहे हो उसमें कितने कितने डिवीजन उसको उसको आपने कितने भाग में है सर हमने उसको एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस दस भाग में बांटा है अगर हम दस कदम चलेंगे तो हम एक सेंटीमीटर तक पहुंच जाएंगे दस कदमों में आपने इस एक सेंटीमीटर को बांटा है अपने सेंटीमीटर वाली स्केल में ठीक है तो मैं बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यूज फॉर टोटल डिवीजन या नंबर ऑफ डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग नंबर ऑफ डिविजन फॉर मेजरिंग वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टेन दस डिवीज़न में आपने एक सेंटीमीटर को नापा है तो एक डिवीजन आपको कितना बताएगा तो यार सिंपल सी बात है दस डिवीजन आपको एक सेंटीमीटर बता रहे हैं तो एक डिवीजन आपको कितना बताएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो वन डिवीजन इज इक्वल टू वन डिवीजन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टेन कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वन डिवीजन किसके बराबर आ जाएगा एक जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा आ गया भैया हमारा एक डिवीजन मतलब हमारे मेन स्केल का जो एक डिवीजन है दो डंडियों के बीच की जो दूरी है वो कितना बताती है कितना कवर कितना मेजरमेंट करके बताती है तो 0.1 सेंटीमीटर नाप कर बताती है आपको मतलब इस स्केल से आप कम से कम कितनी डिस्टेंस नाप सकते हो कितनी लेंथ नाप सकते हो वो है सर 0.1 उस सेंटीमीटर उससे कम क्या 0.1 सेंटीमीटर को ही एक एम mm बोला जाता है हाँ सर इतना हमने इतना गधा समझाया हमको जीरो सेंटीमीटर इज वन एम तो जनरली आप देखोगे ना जनरली आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा में आपका जो एक डिवीजन मतलब दो डिवीजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है गैप होता है वो आपको 0.1 सेंटीमीटर बताता है लीस्ट काउंट है दिस इज this is this is the least count least count of this least count of <coughs> color change कर देता हूँ least count of a simple scale कितना निकल कर आ गया 0.1 सेंटीमीटर कितना आसान था बस इतना देखना था कि एक सेंटीमीटर नापने के लिए आपको कितने डिवीजन चाहिए दस डिवीजन में आपने डिवाइड किया है एक सेंटीमीटर को आपने एक सेंटीमीटर को दस से डिवाइड कर दिया एक डिवीजन का आ गया आपने आपके पास कि एक डिवीजन कितना नाप कर देता है आपको जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर नाप कर देता है ठीक है क्लियर है वेरी गुड चलो इसको आप बना लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमको देखना है फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल है ना उसकी भी हमको बात करनी है आप इसको ध्यान से देखिए नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं चलो भैया ये हम सीख गए हमारा बेसिक कि हम कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं है ना ये हमने निकाल लिया अपनी छोटी सिंपल स्केल का आगे बढ़ते हैं भैया अब आ गया हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल ये है काम की चीज वर्नियर स्केल का हमको लीस्ट काउंट निकालना है जनरली डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन द डिवीजन ऑन मेन स्केल देखो मेरी बात समझना जनरली यानी कि 97% केसेस में ऐसा ही होगा कि आपके जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है उनके बीच का जो गैप होगा वर्नियर स्केल के डिवीजन्स के बीच का जो गैप होगा वो कम होगा एस कंपेयर टू जो मेन स्केल के डिविजन होंगे उनके बीच के गैप से नहीं यही बात समझ अभी मैं बनाऊंगा आपको समझ में आएगा मैं वही चीज मानकर आपको यहां पर चीजें सॉल्व करवाऊंगा डिराइव करवाऊंगा ठीक है आइए मैं ये बोल रहा हूं हमारी नीचे वाली जो स्केल है उसको मैं बोला वर्नियर स्केल क्या बोला वर्नियर स्केल बोला ऊपर वाली जो स्केल है उसको मैं बोला मेन स्केल एम एस बोला ठीक अच्छा अब ऊपर वाली स्केल में मैं ना डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर करके बना रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए है ना इतनी दूर होता नहीं है तो मैं पहले मेन स्केल बना रहा हूं दिस इज योर मेन स्केल दिस इज योर मेन स्केल दिस इज योर मेन स्केल का जीरो ठीक है ना दिस इज़ योर मेन स्केल का जीरो अच्छा आगे देखते चलना एक दो तीन चार पांच ठीक फिर एक दो तीन चार पांच है ना जनरली ये जो मेन स्केल होती है ये सेंटीमीटर वाली ही होती है है ना यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं जनरली ये जो स्केल होती है ना मैं इसको सेंटीमीटर वाली स्केल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेंटीमीटर वाली ही रहती है ज्यादातर इसलिए तो ये हो गया आपका एक सेंटीमीटर ये हो गया आपका दो सेंटीमीटर ठीक और ये उसके डिविजन हो गए अब मैं बनाने वाला हूं नीचे वर्नियर स्केल क्या बनाने वाला हूं वर्नियर स्केल अलग कलर से बनाऊं क्या हाँ अलग कलर से बनाऊं वर्नियर स्केल का भी जीरो मान लो अभी कोई एरर नहीं है तो इसका जीरो यही कौन कर गया जीरो से ही है ठीक है ना कोई एरर नहीं है चलिए अब आप देखना क्या होता है देखिए ये हमने मान लिया भैया इसका पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और रे 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 रे, तेरह क्यों बना रहे हो सर तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा और दसवा ये थोड़ा ज्यादा पास हो गया थोड़ा दूर कर देता हूं और है ना नहीं तो हमको क्या है ना दिक्कत फंस जाएगी थोड़ी सी एक ये कर दिया दो कर दिया तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये और ये दस नौ और ये, दस ठीक है ना तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है ना और यह है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है ना अब देखो आप जीरो से अगर आप मेन स्केल में देखो रेड वाली मार्किंग को देखो तो मेन स्केल में आप यहां तक डिविजन, नौ डिवीजन नौ डिवीजन तक पहुंच जा रहे हो देखो एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ ये मेन स्केल में नौ डिवीजन है लेकिन अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं और उसमें डिवीजन गिनूं तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है मतलब मेन स्केल के नौ डिवीजन में आपके वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन आ जा रहे हैं दस डिवीजन आ जा रहे हैं मेन स्केल के नौ डिवीजन में आपके वर्नियर स्केल के दस डिवीजन आ जा रहे हैं यह बात आपको समझ में आई मतलब ये बात सही हुई कि डिविजन ऑन वर्नियर स्केल स्मॉलर देन द डिवीजन ऑफ स्केल तभी तो यहाँ पर ज्यादा आप आ पा रहे हैं डिवीजन हाँ हाँ सर ठीक है आई आई बात समझ में आई 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 करना क्या है सर देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं ताकि ईवन लगे है ना नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिए ठीक है ना हाँ चलिए भैया अब मेरी बात समझिएगा

इसका आंसर मैं देना चाहूंगा कि कोई भी मार्किंग नहीं होती वर्नियर स्केल में no marking is there. No marking is there. मतलब आपको वो कभी नहीं बताएंगे कि ये सेंटीमीटर वाली स्केल है मीटर वाली स्केल है इंच वाली स्केल है क्या है कुछ नहीं बताएंगे कोई भी मार्किंग आपको वर्नियर स्केल में नहीं मिलेगी ठीक है ठीक है सर चलिए कोई बात नहीं आइए आप क्या बता रहे थे तो मैं आपको यह बता रहा था कि जब आप मेन स्केल को देखते हो और आप वर्नियर स्केल को देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल यह आता है कि यह मिनिमम मिनिमम से minimum कितनी लेंथ या मेजरमेंट ले सकता है कितना वैल्यू मेजर कर सकता है ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने सर इसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं आप मुझे बताइए मैं आपको बताता हूं चलिए मैंने बनाए दो डिवीजन मेन स्केल के मेन स्केल के मैं दो डिवीजन बना रहा हूं जरा देखना यह मेन स्केल के दो डिवीजन है एक डिवीजन एक है, ना? यार देखना ध्यान से. एक डिवीजन लाल है, एक है. ठीक है? हाँ. अब मैं बनाने वाला हूं किसका अब मैं बनाने वाला हूं रेड कलर से ही बना दू नहीं तो आप बोलोगे कि सर रेड कलर से आपने मेन स्केल का बनाया था तो आप रेड कलर से मेन स्केल का ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए और आप पर्पल कलर से वर्नियर स्केल के दो डिवीजन ले लो ये वर्नियर स्केल के मान लो दो डिवीजन है एक वर्नियर स्केल का डिवीजन ये है एक वर्नियर स्केल का डिवीजन ये है ना गैप कम है ना देखो ना जनरली ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन द ऑन मेन स्केल स्मॉल ठीक बिल्कुल सही सर ये मेन स्केल हो गया ये वर्नियर स्केल हो गई वेरी गुड भाई ये वर्नियर स्केल हो गई ठीक है ना उसका डिवीजन है ये मेन स्केल का डिवीजन मुझे यह बताओ आप कि आप दोनों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितना या तो कम से कम कितनी डिस्टेंस नाप सकते हो ज्यादा से ज्यादा नहीं आप इस दोनों डिवीजन और इन दोनों डिवीजन यानी कि मेन स्केल के डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन से मिनिमम कितनी डिस्टेंस नाप सकते हो ठीक है सर बताते हैं मान लो इनके बीच का गैप एक्स है इनके बीच का गैप वाई है तो आप मिनिमम कितना कितना मिनिमम कितना गैप नाप सकते हो एक्स नहीं नाप सकते क्योंकि एक्स तो ज्यादा है Y आप सकते हो हाँ सर y एक्स से कम है तो हम मिनिमम इतना नाप सकते हैं एक सेकंड जरा ध्यान से सोचो एक सेकंड जरा ध्यान से सोचो क्या आप अगर यह नाप पाओ अगर आप यह नाप पाओ तो यह सबसे कम आपको मिलेगा ना एक्स माइनस वाई क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या आप इस एक्स इस डिवीजन और इस डिवीजन की मदद से इतना छोटा गैप मेजर कर सकते हो हां सर x सबसे छोटा नहीं है y सबसे छोटा नहीं है सबसे छोटी जो डिस्टेंस है सबसे छोटा जो जो मेजरमेंट है है किया जा सकता मेन स्केल स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन की मदद से वो है सर ये ये गैप जो है x x का अगर ये x -Y आप निकाल लो तो मुझे लगता है यही वो छोटी सी छोटी मेजरमेंट होगी जो ये वर्नियर स्केल कर पा रहा होगा जिसको आप लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल बोलोगे या वर्नियर कैलेपर बोलोगे वर्नियर स्केल नहीं वर्नियर कैलेपर बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो ठीक है ना स्पेलिंग की बात मत करना स्पेलिंग आपको डबल एल कहीं दिखेगा कहीं सिंगल एल दिखेगा उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमारे दिमाग में एक बात फूल गई कि भाई ज्यादा से ज्यादा मेन स्केल का इतना डिस्टेंस हो सकता है नाप सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वर्नियर स्केल का वाई नाप सकते हैं इतना डिस्टेंस दो डिविजन के बीच की गैप लेकिन हमको इंटरेस्ट है लीस्ट काउंट में सबसे छोटी वैल्यू जो आप नाप सको हागी ना सबसे छोटी वैल्यू में देख रहा हूं एक्स में से अगर वाई माइनस कर दूं तो ये होती है शायद यही मेरा आगे जाके क्या बन जाएगा लीस्ट काउंट बन जाएगा ठीक है ना इसको मैं पूरा लिख देता हूं यही आपका लीस्ट काउंट बन जाएगा यही आपका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा ये लिख देता हूं यही आपका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा अच्छा सर अच्छा यही आपका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं चलिए भाई अब मेरी जो पूरी मेहनत है ना वो इस x- माइनस वाई को निकालने में जाएगी ध्यान से सुनिएगा आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो smallest measurement है इसी को आप लीस्ट काउंट बोलते हो और ये लीस्ट काउंट कैसे निकाला जा सकता है देखिएगा ये लीस्ट काउंट निकाला जा सकता है ये क्या है एक मेन स्केल डिवीजन है क्या ये एक मेन स्केल का डिवीजन है हा ना एक ही डिवीजन तो हुआ ये क्या कहलाया ये क्या कहलाया एक मेन स्केल का डिवीजन ये मैंने उठाकर यहां जूम करके बना दिया था ये क्या कहलाया ये क्या या क्या ये क्या कहलाया ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कहलाया वो मैंने उठाकर यहां बना दिया जूम करके तो अगर मैं एक मेन स्केल डिवीजन से इसको बोल रहा हूं मैं इसको बोल रहा हूं मैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन इसको है ना अगर मैं एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट नहीं मिल रहा क्या मुझे लीस्ट काउंट नहीं मिल रहा मिल रहा है सर तो मैं लिख रहा हूं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्लियर है हां सर एकदम क्लियर है आई बात समझ में चलिए <coughs> मुझे बताइए जो आपका मेन स्केल है एक मेन स्केल है जो आपका ये इसका एक डिवीजन आपको कितना सेंटीमीटर देता है कितना सेंटीमीटर देता है आपको सर अगर ये सेंटीमीटर वाली है जो आपने अभी हमको पढ़ाया था तो एक डिवीजन जो होगा वो हमको 0.1 सेंटीमीटर देगा याद है हाँ सर याद है निकालते बनता है अच्छा तो मुझे बताओ एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आपको कितना देगा सर नहीं पता क्योंकि कोई मार्किंग ही नहीं है सेंटीमीटर वाली अगर यहां ये एक सेंटीमीटर दे देते तो हम बोल देते भाई देखो ना अगर आपको ऐसा दिया होता एक दो तीन चार ये पांच एक दो तीन चार ये पांच ऐसा दिया होता आप बोल दिया होता ये भी एक सेंटीमीटर है ऐसा अगर बोलता मान लो मान लो मान नहीं सकते तो फिर आप बोल देते भाई इतने एक सेंटीमीटर को इतने डिवीजन में बांटा है तो आप आराम से निकाल लेते लेकिन आपको मार्किंग ही नहीं दी है क्लियर बात है ना तो अब हमको पूरी मेहनत किसके लिए करना है एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए वन वी हमको नहीं पता है हमको नहीं पता है एक मेन स्केल डिवीजन हमको पता है जनरली पता होता है ठीक है चलिए तो इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए अब मैं इसको यहां से मिटाता हूं काम की चीज रख लूंगा बाकी चीज हटा दूंगा है ना आप यह समझ गए होगे अगर आप यह समझ गए हो ना कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है मेरे कम से कम आप जो मेजरमेंट ले सकते हो वो वन वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन होगा ये होगा वो और इसी को आप एक्स माइनस वाई बोलोगे इसी को आप लीस्ट काउंट बोलोगे ठीक इतना आपको समझ में आया चलिए भाई क्या मैं वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल सकता हूं सर अभी हमने निकाली थी लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं कि अगर आपको वन मेन स्केल डिवीजन निकालना है तो अभी हमने देखा था लीस काउंट ऑफ अ सिंपल स्केल ये अगर सेंटीमीटर वाली स्केल है तो आप देखो एक सेंटीमीटर को अच्छा मैंने एक सेंटीमीटर यहां लिख दिया क्या एक दो तीन चार पांच यहां लिख दिया क्या सॉरी 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 ये होगा एक सेंटीमीटर भाई है ना एक सेंटीमीटर होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस हाँ, एकदम सही वो जूम करके बनाया था, तो मुझे बड़ा लग रहा था एक सेंटीमीटर को दस डिवीजन में क्या किया हुआ है एक सेंटीमीटर को दस डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है तो वन एम निकालने के लिए आप क्या करोगे एक सेंटीमीटर को दस डिवीजन में डिवाइड किया है तो आप वन एम बता सकते हो इजीली कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर ठीक देखो अगर आपसे जनरल केस की बात करूं ना आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें ऐसा लिखा होगा कि नाइन डिवीजनस ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऐसा लिखा होगा वर्नियर स्केल बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलता है कि जो नाइन डिवीजन है हाँ ना? इसलिए डायग्राम मैंने ऐसा बनाया था क्या यह हमेशा सही है नहीं ये जनरलाइज के लिए एकदम सही है जो जनरली आता है ठीक है सर तो मैं ये बात यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं ये बात बोल सकता हूं कि नाइन डिजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू टेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल उल्टा लिख दिया क्या हाँ सर उल्टा लिख दिया उल्टा लिख दिया सर टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ठीक है सर ओके okay, सर तो मैं यहां से बोल सकता हूं मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि वन डिवीजन ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू नाइन बाई टेन नाइन ऑफ नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल बोल 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 सकता हूं कि नहीं बोल सकते सकते हो हो सर बिल्कुल बोल सकते हो. अच्छा यहां से मुझे एक आइडिया आया यहां से मुझे एक आया क्या आइडिया आया जरा सुनना मैंने आपसे ये बोला कि ज्यादातर केसेस में ऐसा ही आपको देखने मिलेगा नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है तो कभी कभी वो आपको बोल देगा भाई के 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल तब आप क्या करोगे एक जनरलाइज केस आपने देख तो लिया कि 9 10 के बराबर है लेकिन हर बार तो हो नहीं सकता तो मैं क्या करता हूं यहां पर मान लेता हूं y यहां पर मान लेता हूं x एक जनरलाइज इक्वेशन टाइप निकाल लेता हूं कि हम x और y की वैल्यू पुट करें हमारे सामने आंसर आ जाए हाँ ना ठीक है तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना यहां पर मैंने कलर चेंज किया पेन का और लिख रहा हूं मैं वाय डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज ये y मान लिया मैंने कोई एक वेरिएबल मान लिया जैसे अगर आपने मुझे बता दिया था कि दस डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल नॉन डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है तो मैंने तुरंत इक्वेट करके वैल्यू निकाल ली थी एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की है ना लेकिन मैं एक जनरलाइज केस निकाल रहा हूं कि पता चला कल के दिन नौ दस नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूंगा तो मैं मान रहा हूं ठीक है ना तो मैंने माना लेट वाई डिवीजन लेट लेट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज टू डिवीजन ऑफ एक्स डिवीजन ऑफ एक्स डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात से नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं देखो मैं आपको दो सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे मुझे वहां लिखने की जगह चाहिए ठीक है लिख लिया होगा एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का आएगा आएगा जनरली आएगा जब आपकी सेंटीमीटर स्केल होगी जनरली मतलब 95, 96, 97 केसेस में आ जाओ अब मैंने जो एक्स वाला एक वेरिएबल वाला इक्वेशन बना लिया इससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है लेट वाई डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज डिवीजन ऑफ मेन स्केल ठीक है तो मैं यहां से बोल सकता हूं वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एक्स बाय वाई ऑफ एक्स बाय वाई ऑफ एक्स बाय वाई डिवीज़न ऑफ मेन स्केल क्या आपको एक डिवीजन की वैल्यू मिल गई क्या आपको एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू मिल गई क्या आपको ये डिस्टेंस मिल गया कितना होगा ये होगा एक्स वाई डिवीजन ऑफ मेन स्केल अभी तक आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई मार्किंग आपको दी नहीं गई थी वर्नियर स्केल में लेकिन आपने कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू निकाल दी अरे हां इसको आप कैसे लिखा हुआ देखोगे जब आप बुक्स बुक्स में पढ़ोगे तो आप इसको ऐसे लिखा हुआ देखोगे डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को वो, भी बोलते हैं वी एस डी वन वी एस डी इज इक्वल्स टू एक्स बाय ऑफ एक्स बाय ऑफ वन एमएसडी एक्स बाय ऑफ एमएसडी मतलब एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन ये है वी एस डी स्केल डिविजन इज एक्स बाय ऑफ एम एस डी मेन स्केल डिविजन ऐसा हुआ लिखा हुआ बुक्स में देखोगे चाहे इसको ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो एक ही बात है अब यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम क्या करेंगे हमने यह देखा था लीस्ट काउंट क्या था एक एम एस डी माइनस एक वी एस डी के बराबर याद करो वन मेन स्केल डिविजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिविजन के बराबर था ना? इससे कंफ्यूज मत होना वन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू वन वी एस डी इंग्रेजी 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 का अंतर है बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बहुत कौन कौन लिखे चलिए आपको वन एम एस डी की वैल्यू पता थी क्या पता थी लेकिन अभी हम वो पुट नहीं करेंगे क्योंकि तो हमारे पास हमारे पास यहां एक्स वाई वेरिएबल है ना आज तो मैं यहां लिखे रहने देता हूं वन एम एस डी माइनस एक वी एस डी की वैल्यू कितनी है एक्स बाई वाई ऑफ एम एस डी है कि नहीं इससे कॉमन ले लू एमएसडी एस हाँ सर एमएसडी कॉमन ले लो तो लीस्ट काउंट क्या निकलने लग गया भाई देखो एमएसडी कॉमन लिया ब्रैकेट में बचा वन माइनस एक्स बाय माइनस एक्स बाय वाई एक्स क्या है एक्स क्या है एक्स वो डिवीजन ऑफ मेन स्केल है जो बराबर है वाई डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के जैसे कि वर्नियर स्केल के दस डिवीजन मेन स्केल के अगर नौ डिवीजन के बराबर हो गए तो x आपका हो जाएगा नौ और y आपका हो जाएगा दस क्या ये बात आपको समझ में आई नहीं समझ में आई सर कब आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे कब आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने यह देखा कि हमको स्मॉलेस्ट मेजरमेंट चाहिए था तो हमने अपना दिमाग लगाया और बोला कि जो डिवीजन मेन स्केल में है माइनस जो डिवीजन वर्नियर स्केल में है उनको माइनस करो एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल को माइनस एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को माइनस करो वही सबसे छोटा well तो कोई स्केल को इसकी स्केलिंग नहीं दी थी तो हमने क्या किया इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कैसे फाइंड आउट कर लिया मैंने सोचा यार जनरली जनरल केस में क्या दिया रहता है नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जनरल केस में जो मैंने यहां बनाया है जनरली हर बार नहीं हो सकता तो जब वो हर बार नहीं हो सकता तो मैंने 9 और 10 को किस में चेंज कर दिया वेरिएबल में x और y में कर दिया कि नहीं कर दिया देखो <coughs> कर दिया बिल्कुल कर दिया अब क्या किया मैंने यहां पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो x by y ऑफ MSDI और यहां पर उसको पुट कर दिया लीस्ट काउंट क्या आने लग गया मेरे पास MSD ब्रैकेट में 1 x y क्लियर है चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर मैं आगे इससे बात करता हूँ चलिए भाई इतनी मेहनत के बाद हम अपने एक रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं अरे ये क्या हो गया तो पूरा ही मिट गया पूरा थोड़ी ना मिटाना है भाई काम की चीज़ रख लेंगे ये तो असलियत सामने आ गई है ना एकदम तुरंत असलियत सामने आ गई कुछ हट गया ऐसा नहीं करना है चलिए लीस काउंट हमारे पास जो आया है भैया अब उसको जरा ध्यान से देखेंगे और फिर आराम करेंगे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में वन माइनस एक्स बाय वाई जिसमें एक्स क्या है नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू वन ईयर स्केल डिवीजन मैं फिर से बताता हूं एक्स क्या है नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू क्वल टू वर्नियर स्केल्ड डिवीजन अच्छा और वाई क्या है वाई इज दंबर ऑफ वर्नियर स्केल्ड डिविजन वाई इज द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन अच्छा सर इसको एक बार आप रिलेट करके बता दो इस फॉर्मुले से हम बिल्कुल समझ जाएंगे बिल्कुल आपसे कोई तू तू मैमेन नहीं होगी हमारी बस एक बार समझा दीजिए कि इस फॉर्मुले को यूज कैसे करना है अब आते हैं हम अपने जनरलाइज केस पे। जनरलाइज केस में हमसे बोला गया कि आपका ना आपके जो नौ डिवीजन है इसको उल्टा करके लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दस डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर है नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल के है ना इससे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इतनी अंग्रेजी से तो आप ऐसा लिख सकते हो कि टेन वी एस डी इज इक्वल टू नाइन एम एस डी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हो कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हो अब आप मुझे बताइए ये 10 किसके बराबर है y के बराबर है क्या ये 10 y के बराबर है हाँ सर यही 10 हमारा y के बराबर हो जाएगा यही 9 हमारा x के बराबर हो जाएगा और हम 1 msd की वैल्यू निकाल चुके हैं याद करो आपने 1 msd की वैल्यू निकाली थी 1 msd इज इक्वल्स टू व्हाट जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर फॉर्मूले का क्यों क्योंकि इसके दस इसके नौ के बराबर है तो यही वाला केस बन रहा है इसमें हाँ सर तो मैं आपको इस वर्नियर कैले का लीस्ट काउंट निकालकर बता रहा हूं मैं आपको बोल चुका हूं हमेशा ऐसा होना सही नहीं है नाइनटी सेवन नाइनटी एट परसेंट केसेज में ऐसा ही होता है ठीक है ना इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं आओ काउंट इज इक्वल टू एम एस डी की वैल्यू कितनी आई है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर सर अच्छा वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है सर X की वैल्यू नौ डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर है सर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के तो नीचे एक, नीचे वाई की वैल्यू कितनी है टेन है है क्या देखो y की वैल्यू 10 है इसको सॉल्व करेंगे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन इंटू टेन माइनस वन इज टेन माइनस नाइन इज वन वन बाई टेन तो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट आ गया? आ गया? को अगर आप याद कर लोगे ना बस बस यही आपका ब्रह्मास्त्र है यही आपका राम बाण है जो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा क्लियर है इतनी मेहनत के बाद सोचो हम इस काउंट तक पहुंचे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इस एक्स वाई की वैल्यू बदल बदल कर देगा तो आप इस एक्स वाई की वैल्यू यहां बदलते रहना आपको मेन स्केल डिवीजन का भी दे देगा नहीं देगा तो निकाल लेंगे और सीधे लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का फाइंड आउट कर लेंगे यह था हमारा कंसेप्ट वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का हमारी सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का हमने बहुत मेहनत की है और यहां तक हम पहुंच गए क्लियर है क्लियर है हाँ सर तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं खत्म आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे इसी कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से ठीक है तब तक सावधान रहिए सतर्क रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच